मैं हूं अमर, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल मैक में। तो आज के वीडियो में हम देख लेंगे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा, हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे कि लास्ट ईयर कैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे BRC में। तो देख ले, सबसे पहले वेलकम टू डिजिटल मैक, है ना। तो देखेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन याद थे हमें, तो वो हमने उसका मतलब आपको बताने जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी देंगे, क्या आंसर क्वेश्चन रहेगा, तो आप देख लेना और वीडियो को पूरा देखेगा जिससे आपको अच्छे से समझ आए। बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बोलूँगा, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करोगे तो आपका ही लॉस है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम लेके आए इस बार, है ना, जो आपको मतलब पिछले दो साल के BRC NRB की तरफ से जो क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के, इसी तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे BRC की जो रिक्रूटमेंट हो रही है 2023 में, तो उसमें भी इसी तरह के लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और जो लोग पहली बार आए हो यूट्यूब चैनल पे तो हमारे, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ पूरा मतलब यूट्यूब चैनल चेक कीजिए जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर इसको ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ऑलरेडी आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कीजिए, उस पर आपका हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो जिससे मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप, तो देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं और जो भी मैं बता रहा हूँ तो अभी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड, ठीक है। जनरल अवेयरनेस फॉर स्टेज वन प्री एग्ज़ाम टेस्ट और प्लांट ऑपरेटर और ITI दोनों के लिए रहने वाला है ना, दोनों के जो क्वेश्चन थे हमने जनरल अवेयरनेस के सभी का फर्स्ट स्टेज के लिए सिलेबस सेम होता है, तो दोनों के हमने क्वेश्चन मिक्सअप करके बनाया है ना। तो स्टेपेंडरी कैटेगरी टू वाले जो भी प्लांट ऑपरेटर ITI और बॉयलर ऑपरेटर वगैरह है उन्हीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। चलो ये बता देता हूँ, देखिए नोट, आफ्टर BRC एग्जाम नो वन अलाउज क्वेश्चन पेपर टू बी टेकन होम, टेक्स इट वेक, दिस क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन टेकन बाय BRC NRB ऑन लास्ट टू ईयर्स, है ना, 25/09/2021 and 05/06/2022, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर प्लांट ऑपरेटर एंड ITI कैंडिडेट बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस इन अपकमिंग एग्जाम्स BRC रिक्रूटमेंट्स, ओके। तो ये देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ हिंदी में भी, BRC एग्जाम के बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर घर ले जाने नहीं देता है और वापस ले लेता है, यह प्रश्न पत्र मेमोरी बेस्ड है और पिछले दो वर्षों जो कि 25 सितंबर 2021 और 5 जून 2022 को जो BRC NRB की द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उस पर आधारित है, यह आने वाले BRC रिक्रूटमेंट्स और एग्जाम्स में इसी तरह के प्रश्नों के स्तर पर आधारित है, है ना, वो प्लांट ऑपरेटर और ITI कैंडिडेट के लिए बहुत मददगार साबित होगा, है ना, है बहुत हेल्पफुल साबित होगा, तो देख लीजिए आप लोग। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमारे चैनल को, जो भी लोग नए हैं तो बता दिया हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन BRC से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल पे है, सैलरी मेडिकल कैसा होता है क्या होता है, तो सबके डाउट क्लियर कर दूंगा। और देख लीजिए, ज्वाइन हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो और या मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, वहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा कि आज का वीडियो हमारा जनरल अवेयरनेस पर रहने वाला है कि प्रोड्यूसर कैसे क्वेश्चन आए थे और मेमोरी बेस्ड है ना, क्योंकि BRC पेपर तो देता नहीं है, जो कैंडिडेट्स को क्वेश्चन याद रहते हैं उसी उन्हीं के द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, और यही सेम क्वेश्चन देखने को मिले थे जो भी कैंडिडेट देख रहे होंगे जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम दिया होगा, तो उन्हें पता है कि यही क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने खुद दिया है तो मुझे भी पता है कि यही क्वेश्चन थे। तो आप लोग देख लीजिए, BRC कोई भी बोलेगा कि BRC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो BRC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देता, ओनली मेमोरी बेस्ड जो लोगों का याद रहते वही क्वेश्चन है, और एज इट इज़ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चन जो आए थे, ठीक है, कोई भी इसमें फेरबदल नहीं की गई है, वही है, बस ये है कि जिन लोगों को याद थे, पेपर तो देता नहीं है BRC। तो चलिए देख लेते हैं, और जिन लोगों ने हमारी साइंस वाली प्रीवियस ईयर की मतलब क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख सकते हो आप लोग, है ना, तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी सीरीज में हम मैथ्स के क्वेश्चन भी लेके आएंगे,
और साइंस की हमने पिछले 2021 वाले बताए थे, हम 2022 वाले भी बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीक तक आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे सारे, है ना। तो देख लेते पहला क्वेश्चन क्या है, और मैं बता दूँ जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप लोगों का ही मतलब फ़ायदा होने वाला है ना, नहीं तो आप लोग बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट बातें भी बोलता हूँ तो आप देख लीजिएगा। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, बता देता हूँ आपको मैं। इसका आंसर हमारा क्या होगा, APJ अब्दुल कलाम वाला, जो इन्होंने इनकी बुक्स पर एक क्वेश्चन आया था, ये 2021 में आपको देखने को मिला था, जिन लोगों ने दिया होगा उन्हें पता है कि सेम यही क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार के, तो इसमें हमने मिक्सअप करके द प्लांट ऑपरेटर के भी मिक्स किए हैं, और साथ ही साथ हमारे जो भी ITI वाले हैं 2021 और 22 के दोनों का क्वेश्चन हमने इसमें मिक्स करके आपको एक बता रहे हैं सॉल्यूशन की, इस टाइप का आपको लेवल देखने को मिलेगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी है जो बुक्स वगैरह के क्वेश्चन है ना, तो आप जब भी तैयारी करेंगे जनरल अवेयरनेस की, तो आपको बुक्स वगैरह के लेखक ऑथर थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। और भी अभी जो नीचे क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको मतलब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस को लेके कि कैसे क्वेश्चन आएंगे क्या आएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया है ना, मनाया जाता है, तो इसका आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि कब मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चन रहने वाला है, इम्पोर्टेंट डेज भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 जून, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये हमारा राइट आंसर है, और फिर हम देख लेते अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग में इन बैंकिंग द फुल फॉर्म ऑफ RTGS इज, बैंकिंग में RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस स्कीम, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस स्कीम, और रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और रियल टाइम ग्रॉस स्कीम। तो आप लोग जो भी देख रहे हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाके आपके डाउट और आंसर जरूर कमेंट करिए, जो भी देख रहे हो आपका ये एक समझिए कि आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप बिल्कुल इसमें आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो देख लेते इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना, 3 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। और देख लेते इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, है ना, तो बता दूंगा बीच बीच में इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप देखिए इसको स्किप मत करिए, इसमें आप बताऊंगा कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आया हेड क्वार्टर से रिलेटेड, तो आपको हेड क्वार्टर्स वगैरह पता होना चाहिए, है ना, कहाँ पर है, तो द हेड क्वार्टर्स ऑफ WHO इज लोकेटेड इन, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वाशिंगटन USA, टोक्यो जापान, जिनेवा स्विट्जरलैंड, और लंदन UK। ये 2022 में आपको देखने को मिला था ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोगों को तो पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है तो देख लीजिए, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब देख लेते हम हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए करंट अभी मैं बीच में डिस्कस भी करूँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिए, है ना, वीडियो को कट मत कीजिएगा, लास्ट में बताऊँगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है, देखिए बीच कंट्री वोन द 2017 ICIC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप डिफेटिंग इंडिया इन द फाइनल, ओके। तो किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर 2017 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो ये देख लीजिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, और ये 2017 का था, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, जो भी मतलब अभी ओलंपिक वगैरह या मेडल वगैरह है ना, फुटबॉल क्रिकेट से रिलेटेड, ये सब आप पढ़ के जाइएगा, तो आपका मतलब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोगों को देखने को मिल गया है, अभी और मैं बता दूँ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
तो देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये देखिए 2000 मतलब 22 में, ज़्यादातर 2022 के क्वेश्चन मैंने डाला गया हूँ इसमें, डाला हूँ है ना। तो देख लीजिए तेरे इसमें क्या क्या पूछा गया है और किसे पूछा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, हु इज नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो भारत के मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लोगों को नहीं पता है तो देख लीजिए है ना, इसका आंसर भी आप लोगों को जिसको पता है वीडियो को स्किप करके उसका आंसर दे दीजिए, तो यहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ई श्रीधरन। ठीक है, ई श्रीधरन है ना, तो आप लोग देख लीजिए। अब हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप देख लीजिए। तो विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये देख लीजिए, भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए है ना, जो कि हमारा आईटी हब भी कहा जाता है। तो ये है हमारा बेंगलुरु। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब देखिए उन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया था है ना, सिद्वी का फुल फॉर्म क्या है ना, तो आप देख सकते हो क्या है इसका आंसर, जो भी आप जिन लोगों को पता है तो दे दीजिए, मैं बता देता हूँ इसका आंसर, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना। तो ये इसका आंसर है सिडबी का। देख लीजिए उन्होंने इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे थे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, आप 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 तो आपको पता रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे है ना, इजीली आप कर लोगे। थोड़ा बहुत करंट की जानकारी होनी चाहिए आपको, करंट अफेयर्स की, कौन क्या है अभी हाल ही में, कौन क्या बना है ना मिनिस्टर से, अभी जैसे बजट लॉन्च हुआ तो बजट का क्या है, थोड़ा बहुत आपको ऐसा पता हो रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो झील कहाँ है, लेक कहाँ है, रिवर कहाँ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें है ना। तो देख लेते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये देख लीजिए, 1 मिनट। मीराबाई चानू वोन अ सिल्वर मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2022, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स ही रिप्रेजेंटेड इन द ओलंपिक्स। तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए रजत पदक जीता, वह किस खेल से पहचाने जाते हैं, ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था है ना। तो देख लीजिए इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, मीराबाई चानू जो कि 2020 में है ना वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में उन्होंने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वुमन वेट लिफ्टिंग में है ना, महिला भारोत्तोलन। ठीक है, तो आप देख लीजिए जिन लोगों को हिंदी में भी प्रॉब्लम आ रही थी पिछली बार, तो हमने पूरा हिंदी में भी आपको मतलब वीडियो को बना दिए है, तो देख लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आप लोगों को डाउट लगता है सर ये बताइए, तो मैं बताने को तैयार हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 10वां। अब ये देखिए 2000 आपको 22 में, ज़्यादातर 2022 के क्वेश्चन हमने लिए गए हैं इसमें है ना, क्योंकि 2021 के क्वेश्चन उतने हमारे को याद नहीं है, क्योंकि 2021 के कुछ क्वेश्चन है आपको 5 से 6 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, बाकी 2022 के क्वेश्चन है बीआरसी एनआरबी की तरफ से जो लिए गए थे। तो देख लेते इसमें क्या उन्होंने पूछा है, विच अमोंग द फॉलोइंग आइसलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार आइसलैंड कंटेंट्स द ओनली नोन एग्जाम्पल्स ऑफ मड वॉल्केनिस इन इंडिया कॉल्ड लोकली अस जलकी। तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस द्वीप में एकमात्र ज्ञात द्वीप शामिल है। भारत में मिट्टी के ज्वालामुखी के उदाहरण है जिन्हें स्थानीय रूप से जलकी कहा जाता है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा, बारातंग आइसलैंड। ठीक है, बाकी के आप ऑप्शन देख सकते हो है ना, तो आपको देख लीजिए इसका आंसर बता दिया हूँ, जिन लोगों को पता है वो कमेंट कर दीजिए, जिससे आप बहुत से लोगों को भी हेल्प मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देख लीजिए इन्होंने इसमें बोला है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स, तो बिग बैंग सिद्धांत बताता है, क्या बताता है, तो हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए वीडियो में। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी हम देख लेते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जो पूछा गया था BRC NRP 2021 और 22 में, है ना। तो देख लीजिए, आपको देख बता देता हूँ मैं, हु इज ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, ये 2022 में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना, जो 2022 में NRP की तरफ से मैं बता चुका हूँ आपको कि एक बुक और ऑथर से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, है ना। DIE के अंदर जितने भी होते जनरल अवेयरनेस के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसका बुक ऑथर क्या है, वो इज द ऑथर ऑफ बुक माई कंट्री माई लाइफ। तो इसका क्या देख लेते, अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कुलदीप नायर। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा LK अडवाणी। जो भी जिन लोगों को भी डाउट लगा कि सर ये क्वेश्चन गलत है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, है ना। वैसे तो ये सही क्वेश्चन है जो भी बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को डाउट लगता है तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अब देख लीजिए क्या पूछा उन्होंने, आप रीड कीजिए। व्हाट इज आवर सन मेनली मेड ऑफ, तो हमारा सूर्य मुख्यतः किससे बना है, तो हमारा सूर्य मुख्यतः किससे बना है देख लेते, लिथियम एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नियरली इक्वल प्रोटॉन्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखिए जी, लिथियम हीलियम बता दिया था, सभी तत्वों का लगभग बराबर भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि ऑप्शन में हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन ही सिलेक्ट करिएगा, मेनली ज़्यादातर हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यदि अलग अलग दिया है हाइड्रोजन हीलियम तो, और यदि सभी ऐसा दिया है तो आप इसमें लगा सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था उसमें, एज इट इज क्वेश्चन था। तो देख लीजिए, अभी मैं और आगे बता देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए इन्होंने पूछा है, देखो क्रिकेट ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार खेल संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। फॉलोइंग कप और ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ क्रिकेट, निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी और क्रिकेट खेल से जुड़ा है। तो देख लीजिए, आगा खान कप, बिबलंडन कप, है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नेहरू कप और रणजी ट्रॉफी। तो देख लीजिए इसका आंसर आप दे दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए। तो जो भी हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल इस लेक लोकेटेड, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो भी हमारी झील है आर्टिफिशियल, तो मतलब मानव के द्वारा बनाई जाती है, तो वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका आप देख लीजिए, सोनभद्र, कौशाम्बी, वाराणसी, सुल्तानपुर। तो आप आंसर दे दीजिए फटाफट, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ जब तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र, UP, है ना। तो ये एक रिहंड प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया गया है, है ना, रिहंड प्रोजेक्ट इसका नाम है शायद, तो UP सोनभद्र में है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। और फिर ये देख लीजिए इसका क्या है आंसर, बता देता हूँ। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी, इंडियन एनर्जी कमीशन, है ना। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो आपको राइट आंसर फटाफट टिक कर देना, आप लोगों को पता ही होगा कि कौन है इसके। तो जो भी हमारे ग्रेट महान साइंटिस्ट इंडिया के जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका आंसर हमने बता चुके हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन पहले कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। तो देख लीजिए, भारतीय ऊर्जा परमाणु विभाग के जो भी मतलब पहले ऊर्जा आयोग के जो भी थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, जो कि हमारे देश के महान न्यूक्लियर प्रोग्राम के
मतलब साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और इससे रिलेटेड आपको DAE से रिलेटेड या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार जनरल अवेयरनेस में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे जो भी हमारे जो भी रहेंगे ना पीरियडिक टेबल से रिलेटेड भी आपको ये न्यूक्लियर से रिलेटेड एक आधी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ज़रूर इसमें। ठीक है, तो देख लेते हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है ना। जो यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? कजाकिस्तान में। तो ये क्वेश्चन हम ऐड करना भूल गए, तो आप देख लीजिएगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और पावर प्लांट से रिलेटेड जो एटॉमिक एनर्जी के न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब जो भी आप ये BRC में आ रहे हो तो एक क्वेश्चन आपको इन्हीं मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, परमाणु से रिलेटेड या है ना। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा है ना। वीडियो को जो लोग स्किप करेंगे उनको तो ये जानकारी पता ही नहीं चलेगी जो मैं बता रहा हूँ, तो जिन लोगों ने स्किप कर दिया होगा तो वो तो मिस कर जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा है ना इससे रिलेटेड। और हम वीडियोस भी बना देंगे इस टाइप के क्वेश्चन किसे आते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। तो हम देख लेते अगला क्वेश्चन कैसा है हमारा। तो देख लीजिए, ये पूछा गया था 2021 में है ना। टी सुनामी कैन बी कॉज्ड ड्यू टू, सुनामी किसके कारण हो सकती है? वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, फ्लोट्स, बाढ़, अंडर वाटर एटक्विक। तो फटाफट आंसर दे दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको आंसर बता देते हैं इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर वाटर एर्थक्विक है ना, पानी के अंदर भूकंप, इसके कारण ये सुनामी होती है। ठीक है, तो देख लेते। और ये देख लीजिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है ना। तो जो भी सिंधु नदी का उद्गम स्थल जिन लोगों को पता नहीं है तो देख लीजिए, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। आप लोग भी कमेंट कर दीजिए जिन लोगों को पता है, तो इसका आंसर होगा तिब्बत। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे है ना। रिवर से रिलेटेड को क्वेश्चन आपको एक आदि देखने को मिलेगा, रिवर हो गया, झील हो गया है ना। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मैंने बताया हूँ आपको। देखिए मैं बता देता हूँ, रिवर, झील, अभी बताता हूँ ये क्वेश्चन आप डिस्कस कर लिए, उसके बाद बताता हूँ कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप वो चीज़ पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए मैं बता देता हूँ, ये 19वां क्वेश्चन का इसका आंसर तो पता है। तो देखिए अब हमारा 20 क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है? तो हम देख लेते है ना इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए, थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। देख लीजिए, इसका पहला क्या क्वेश्चन है, मर्क्यूरी है, फिर दूसरा है वेनस, ठीक है, और फिर ये तीसरा क्या है, मार्स है, और चौथा जुपिटर है। तो ये क्वेश्चन जो भी आता है बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या गलत कर देते हैं। बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट कौन सा है इसका? बुध है, बुध। तो क्योंकि बुध में एटमॉस्फेयर नहीं है तो जिस कारण से वो मतलब गर्म नहीं रह पाएगा, इसलिए दूसरा जो हमारा मतलब बुध के बाद दूसरा जो ग्रह है वो शुक्र है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाता है, शुक्र है ना। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा मतलब मैंने भी जल्दबाजी में इसको मार्क कर दिया था, क्योंकि मैंने इसको ठीक से पढ़ा नहीं था और फिर इस कारण से मेरा गलत हो गया था ये मार्क। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के द्वारा भी गलत होता है, और जब से मुझे ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह गया, इसका आंसर क्या हो गया, वेनस शुक्र। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो भी लोग ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये सिंपल क्वेश्चन में गलती होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा वेनस ही शुक्र ही रहेगा, क्योंकि इसका जो भी आपने रेडिएशन और हीट एंड टेम्परेचर वगैरह पढ़ा होगा लेसन चैप्टर, तो वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा एक ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, भीम UPI का जो भी ऐप है वो मतलब किसने किसके द्वारा डेवलप किया गया है ना, भीम इंटरफेरेंस फॉर मनी ऐप वाज डेवलप्ड बाय। तो भीम इंटरफेरेंस फॉर मनी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन था वो सेम, तो उसमें मतलब पूछा गया था, तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है आप बोल सकते हो, क्योंकि उसमें भी NPCI उसका आंसर था। जैसे पहला देख लीजिए, निधि कंपनी, दूसरा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ
इंडिया इंडिया, और तीसरा सेंट्रल टेस्टी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो ये देख लीजिए आप, है ना। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर नंबर, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन NPCI द्वारा हमारा UPI पेमेंट सिस्टम चलता है। तो आपको लोगों को पता होगा भीम UPI वाला एक क्वेश्चन ऐसा था, जिन लोगों ने दिया होगा उनको तो पक्का पता है कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। और ये देख लीजिए 22 क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन है ना, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, तिलहन उत्पादन, फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन, पल्स प्रोडक्शन, दाल उत्पादन। तो इसका फटाफट आप आंसर दे दीजिए इसका कमेंट में ना, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा नीली क्रांति, हरित क्रांति है ना, तो बहुत सारा देख लीजिए आपको इसका आंसर देखने को मिल गया होगा। तो मैं बता दूँ इसका आंसर क्या होगा, फिश उत्पादन है ना, मछली प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन इसका राइट आंसर है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। हाँ तो हमारा क्या है, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आया था 2021 में है ना, मैं बता रहा हूँ ना न्यूक्लियर से रिलेटेड आपको देखने को, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन आया था 2011-12 में IUPAC द्वारा पीरियोडिक टेबल में दो नए एलिमेंट जोड़े गए, उनका नाम क्या है। तो जैसा कि 2011-12 में IUPAC द्वारा टेबल में जो भी मतलब नए एलिमेंट जोड़े रहे थे उनका नाम फ्लेवेरियम और लेबेरियम। तो देख लीजिए हमारी यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण से यहाँ से मतलब सही से आपको दिख नहीं पा रहा होगा है ना। तो ये देख लीजिए दो नाम, ये जो ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, उसका क्वेश्चन एग्जैक्टली याद तो नहीं है हमें, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन था ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और जो भी आप लोगों को मतलब डाउट वगैरह लगता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए, इसमें भी मैं बताऊँगा किन किन टॉपिक से आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर बहुत सारी आपको BRCC से रिलेटेड और भी अदर एग्जाम्स के जानकारी मिल जाएगी। तो आप पूरा चैनल चेक कीजिए है ना, तो जरूर वीडियो को देख लीजिए। और मैं बता दूँ कि अभी जैसे जनरल अवेयरनेस की आप जो भी तैयारी करोगे, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताया हूँ लेवल के है ना, जैसे खेल संबंधित क्वेश्चन कर लीजिएगा, कप ट्रॉफी, और फिर रिवर से एक आदि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और फिर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड DI की जितनी भी यूनिट है और उनमें पावर प्लांट कहाँ कहाँ है इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे चेयरमैन कौन था, कब इसका मतलब कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ना, कब वो स्थापना हुई, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बुक ऑथर और जो भी वगैरह है वो आप देख लीजिए है ना। तो ये थोड़ा हमारा यहाँ से वॉइस मिस्टेक हो गया था, इस कारण से हमने दोबारा से रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताया हूँ। और जो भी आप लोगों को डाउट लगता है तो कमेंट कीजिए। और मैं बता चुका हूँ कि एक रिवर वाला ज़्यादातर करंट अफेयर्स भी देख लीजिएगा, थोड़ा करंट अफेयर्स रिलेटेड भी आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इतने इजी आएंगे कि आप खुद से भी कर सकते हो ठीक है। तो आपको बीच में यदि वॉइस की दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से मतलब कुछ आपका डाउट होगा जो भी वो क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और देख सकते हो कि क्या क्या मैंने क्वेश्चन बताया था आज, वो आप उस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करिए, तो आपके आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। करंट अफेयर से रिलेटेड भी कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया हूँ फुल फॉर्म हो गया है और फिर कहाँ कहाँ लोकेटेड है ना, जैसे वो जेनेवा वाला बताया था कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर रिलेटेड भी देख सकते हो। और जो ऑथर वाले वो तो ज़रूर देखिएगा, बुक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, रिवर, लेक, झील है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जो भी बताया हूँ प्रीवियस ईयर के जो हमने एग्ज़ाम दिए थे और जो हमारे याद थे वो क्वेश्चन आप लोगों को सभी को शेयर कर रहा हूँ, ये प्लांट ऑपरेटर ITI वालों के लिए बहुत मददगार रहने वाला है, तो हेल्पफुल रहने वाला है, तो देख लीजिएगा। और जो भी नए लोग हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और बहुत अच्छे हम वीडियो बनाएंगे, साइंस का भी वीडियो हम जो भी प्रीवियस ईयर का है वो हम लाने की कोशिश करेंगे, 2022 वाला भी हम बनाएंगे, जो हमने 2000 NRV का 2021 का बनाया था, अब 2022 का भी हम वो करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा हमारे को सपोर्ट कीजिए, आप यदि कम से कम इस पर 200 लाइक आने चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तो आप देख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना जो लोग हो, और नए हो तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए है ना, और नए लोग हो तो जो पूरा वीडियो देखिए
देखिए चैनल पे हमारे जितने भी डाउट वगैरह आपके क्वेश्चन के आंसर सभी मिल जाएगा। उसके बाद आप आइएगा मेरे पास, कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू भी आप मुझे मैसेज कर लीजिए पर्सनल, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। जो भी आप लोगों का डाउट लगता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास पढ़ाई करिए। और जो भी अभी हम टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट वीक तक हम सारे वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।